नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके अपने चैनल टेक TIY पे, जहाँ पे हम हिंदी में आपको आज बताएंगे स्प्रिंग बूट कैशिंग कैसे काम करती है। कैशिंग एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंतर्गत एक ही तरह की रिक्वेस्ट को बार बार हम नेटवर्क से फिर से नहीं लेते, बल्कि एक कैशे बीच में लगा के और कैशे से फिर उसको सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स वो कैशे से रीड कराएंगे। तो यही कैशिंग मैकेनिज्म होता है। कैशे एक तरह की मेमोरी आप समझ सकते हैं। तो हर बार डेटाबेस या नेटवर्क से रिक्वेस्ट को लोड करने की बजाय हम सीधा उसे कैश से रीड करते हैं। तो यही आज का कॉन्सेप्ट है। तो डिफ़ॉल्ट कैशिंग है ये पहला वाला कॉन्सेप्ट, और सेकंड की मोमेंट में सेकंड वाला पार्ट भी रहेगा। तो वहाँ से आप EH कैशे को कैसे कॉन्फिगर करते हैं वो भी आप सीधे स्किप करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, स्प्रिंग कैशे एग्जाम्पल मेवन में रहेगा, जावा 2.4.4 स्प्रिंग बूट का वर्जन रहेगा, जार और 8 हमारा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन रहेगा, और डिपेंडेंसीज में हमारी स्प्रिंग वेब रहेगी और लॉम्बॉक रहेगी। तो चलिए प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं अपने IDE में, और आज के लिए हम हाउ टू डू इन जावा को रेफर करेंगे। इस साइट में इन्होंने बताया है कि कैशिंग को कैसे यूज़ करना है स्प्रिंग बूट में, तो ये पूरा इन्होंने बताया है। तो हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो चुका है IDE में, और अब हम मॉडल क्लास लिखने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह हम अपना जो ब्लॉगिंग वाला एग्जांपल था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम अपना ब्लॉग मॉडल बनाएंगे, जिसमें कि स्ट्रिंग टाइप का ID, स्ट्रिंग टाइप का टाइटल और स्ट्रिंग टाइप का ही कंटेंट हम फील्ड्स ले रहे हैं। और क्योंकि हमने लॉम्बॉक लिया है तो लॉम्बॉक अपना जादू करेगा, एनोटेशंस हम ऐड करेंगे लॉम्बॉक का और लॉम्बॉक अपना मैजिक वहाँ पे करेगा। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। और मेनली अब तक तो शायद अगर आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या एनोटेशंस होती है। ऐड डेटा होता है, ऐड ऑल आर कंस्ट्रक्टर होता है, ऐड नो आर कंस्ट्रक्टर होता है, और इसके अलावा टू स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ये मेन जो लॉम्बॉक के एनोटेशंस हैं ये होते हैं। मेनली हम लोग ये चार ही यूज़ करते हैं। ऐड डेटा हम कहते हैं तो वो गेटर सेटर को जनरेट करके दे देता है हमको। ऑल आर कंस्ट्रक्टर में ऑल आर जैसा नाम ही बता रहा है कि सारे आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग मतलब बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, या जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं वो। अभी हम ब्लॉक सर्विस लिखने जा रहे हैं। अब ये जो ब्लॉक सर्विस रहेगा इस एग्जाम्पल में, हम सिंपली एक जो ये ब्लॉग गेट ब्लॉग बाय ID मेथड है इसके अंदर हम स्लीप को कॉल कर लेंगे। तो 5000 यूनिट्स मिली सेकेंड्स तक ये मेथड जो है ये हॉल्ट करेगा, मतलब रुका रहेगा, और उसके बाद ये मेथड नीचे आके ये जो हार्ड कोडेड ब्लॉग ID या जो ब्लॉग डिटेल है ये कॉल कर लेगा, मतलब ये रिटर्न कर लेगा। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो एनोटेशन हमने यूज़ किया है एट कैशेबल। तो जो मेथड हमको, जिस मेथड पे हमको कैशिंग फंक्शनैलिटी चाहिए उस पे हमको @ कैशेबल एनोटेशन ऐड करना पड़ता है। ये डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग में जो डिफ़ॉल्ट कैशिंग मैकेनिज्म है वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मेथड हमने आपको बता ही दिया है। अभी इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमको ब्लॉक कंट्रोलर पे रेस्ट कंट्रोलर ये लिखना पड़ेगा, और इसमें ये यहाँ पे एक सिंपल रेस्ट कंट्रोलर है जो फाइंड ब्लॉक बाय ID को कॉल करेगा, और बार बार एक ही URL को हम कॉल करेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि कैशिंग कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल गेट मैपिंग है, गेट मैपिंग में स्लैश ब्लॉक स्लैश ID हम पास कर रहे हैं पाथ वेरिएबल में, तो वही हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सिस आउट दे देते हैं ताकि हम URL पे मतलब अपने कंसोल पे आपको शो कर सकें कि कैसे काम कर रही है फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑटो वायरिंग की, अपने जो ब्लॉक सर्विस हमने लिखा था उसको यहाँ ऑटो वायर किया है, और उस ब्लॉक सर्विस पे हम कॉल कर लेंगे जो हमारा मेथड है वो ब्लॉक बाय ID, गेट ब्लॉक बाय ID को। ठीक है, तो और उसमें हम ID पास कर देंगे। तो ये हम करने जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि हमको एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा। कैशिंग को बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होती, तो उसको इनेबल करने के लिए @ इनेबल कैशिंग हमको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो @ इनेबल कैशिंग लगाने के बाद अभी सर्वर को रीस्टार्ट मतलब
सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो आइडियली अगर सब कुछ सही रहता है तो हमारा कैशिंग होगा और फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट रिक्वेस्ट में हमारा जो थ्रेड है वो एक 5000 मिली सेकेंड्स के लिए सोएगा और उसके बाद हमको मैसेज देगा कि जो हमारा हार्ड कोडेड ब्लॉग है वो लोड कर देगा। फिर सेकेंड टाइम जब हिट करना चाहिए, सेकेंड और ऑनवर्ड्स, तो वो कैशिंग से रीड करना चाहिए, ना कि एक्चुअल मेथड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा, सर्वर अभी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे सर्वर स्टार्ट होने पे, अब सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं, हिट करके देखते हैं यूआरएल से, ब्राउज़र से। तो हमारा यूआरएल था /blog/id। तो आईडी में हम कुछ भी पास करें, एनीवेज हार्ड कोडेड ही देना है हर बारी, लेकिन देखते हैं फिर भी। तो वो आईडी एटलीस्ट हम प्रिंट करा रहे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कैसे काम करा। ओके, वाइट लेबल एरर पेज आया है 500 के साथ। देखते हैं मैसेज क्या बोल रहा है। नो कैशे शुड बी रिजॉल्व। ओके ओके, ये इशू आया है। एक बार स्टॉप सर्वर को रोक के देखते हैं कहाँ पे ये इशू आया है। ब्लॉक सर्विस में देखते हैं। ओके ओ गाइस, वी हमसे एक मिस्टेक हो गया है। जब भी कैशेबल यूज़ करते हैं, एनोटेशन कैशेबल में हमको कैशे का नाम बताना पड़ता है। तो जहाँ पे ब्लॉग हमारा जो हम ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ब्लॉग जो हमारा वो एक सेंट्रल मतलब है जिसपे हमारी सारी एप्लीकेशन डिपेंड करेगी। तो हम क्या करते हैं, उसी नाम से हम कैशे बना लेते हैं। तो अभी इसको सर्वर को रीबूट किया है, अभी देखते हैं, सर्वर स्टार्ट हो गया है, अभी हिट करके देखते हैं उस यूआरएल को बार बार। ठीक है, अभी क्या होता है देखते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो हमारा जो बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होगा कि पहली बार में तो मेथड कॉल होगा और दूसरी बार ऑनवर्ड्स ये मेथड कॉल होने की बजाय सीधे कैशे से डेटा आना चाहिए। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं, हमने पहली बार हिट किया तो ये शो कर रहा है 5 सेकेंड्स का टाइम आउट, सॉरी थ्रेड स्लीप कर रहा है। उसके बाद ये इसने आईडी शो किया है, सर्चिंग बाय आईडी, एंड देन ये नीचे मैसेज शो किया है 5 सेकेंड वाला। अभी हम सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स देख रहे हैं तो ये 5 सेकेंड वाला मैसेज हमको शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बाद में जो भी सारा डेटा प्रिंट हो रहा है ये हमारा कैशे से उठा के शो कर रहा है। ये हमारे इस टाइम में कोई भी नेटवर्क कॉल नहीं हुआ है या हमारा जो फंक्शन है वो कॉल नहीं हुआ है, सीधा सीधा कैशे से ही डेटा शो हो रहा है। तो यही हमारी डिफ़ॉल्ट कैशिंग जो स्प्रिंग प्रोवाइड करता है। हम इसको और टेस्ट कर लेते हैं अलग अलग आईडी पास करके। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमने नया आईडी दिया तो आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड्स का जो थ्रेड स्लीप था वो फिर से शो हुआ है। अदरवाइज अगर सेम आईडी हम दे रहे हैं तो वो पुराना वाला ही कैशे से उठा उठा के शो कर रहा है। तो ये एक फंक्शनैलिटी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जा रहा है सेशन, कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैशे काम करता है। तो वो हो भी रहा है यहाँ पे। मतलब कैशे अपनी परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, कि कई बार क्या होता है कि अननेसेसरीली एक ही तरह का डेटा हम बार बार लोड करें और उसके लिए डेटाबेस को हिट करें, उसकी बजाय हम इस तरह से कैशे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, कैशे को अपडेट भी किया जा सकता है, कैशे के अंदर से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कैशे एविक्ट, एविक्ट का मतलब कैशे से अगर किसी चीज़ को निकालना है, किसी आइटम को निकालना है स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो वो कैशे एविक्ट कहलाता है। और कैशे अपडेट कहलाता है जब कैशे के अंदर कुछ वैल्यू है उसको अपडेट करना है। तो अभी हम कैशे एविक्ट के लिए लिखते हैं एक सिंपल, नॉर्मली जो क्लियर कैशे करके मेथड्स हम लोग लिखते थे, इस तरह के मेथड्स हम लोग लिखते हैं जिसमें कि कैशे के अंदर से अगर कोई आइटम रिमूव करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो @ कैशे एविक्ट एनोटेशन है, इसके अंदर हम कैशे का, इसके अंदर देखिए ये क्या क्या बता रहा है। कैशे एविक्ट में हमको वैल्यू देनी पड़ेगी, ब्लॉग किस कैशे में से निकालना है। तो हमने कहा ब्लॉग में से निकालो और सारी एंट्रीज को निकाल दो। अभी हम
अभी हमने सिंपल एक URL एंड पॉइंट और बना दिया है जो कि स्लैश क्लियर कैशे है। अगर स्लैश क्लियर कैशे कॉल होता है तो हमारी कैशे पूरी तरह से फिर से एम्प्टी हो जाएगी, यानी कि उसके बाद अगर हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं सेम URL पे तो हमें नए फ्रेश मतलब मेथड्स कॉल होंगे और कैशे फिर से रीलोड होगा सारा। तो वही हम अब आपको दिखा रहे हैं। तो हमने सर्वर रिस्टार्ट किया है, अभी सर्वर रिस्टार्ट हो गया है, अभी देखते हैं इसको फिर से हिट करके कैसे ये काम करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र के आने के बाद हमने यहाँ पे दिया है ये स्लैश ब्लॉग और फिर से अपना एक फेक आईडी देते हैं और वो आईडी वहाँ कंसोल पे कैसे प्रिंट होता है वो भी अभी दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इसने उसको प्रिंट कर दिया आईडी को और कंसोल पे वो आप देख सकते हैं, कंसोल पे वो दिखाएगा अपने को 5 सेकंड्स कॉल हुआ हर बार। अभी एविक्ट भी कॉल करेंगे, अभी जैसे आपने देखा है हम बार बार कॉल कर रहे हैं तो 101 हर बार में कैशे से रीड हो रहा है। पहले बार वो नेटवर्क कॉल हुआ था, हम एज्यूम कर रहे हैं नेटवर्क कॉल हुआ था और उसके बाद में सारा कुछ कैशे से हुआ। अभी क्लियर कैशे को भी करते हैं हम लोग, URL को कॉल करते हैं ताकि हमारा जो कैशे एविक्ट वाला है काम वो यहाँ पे हो जाए। कैशे एविक्ट हो गया है और हमने मैसेज दे दिया था क्लियर कैशे। अभी जब हम फिर से 101 देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नई कॉल हो रही है, फ्रेश कॉल हो रही है, मतलब कैशे खाली हो चुका था और अब नई कॉल से आगे हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना पूरा कैशिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें कैशे एविक्ट से हमने कैशे को क्लियर किया, एविक्शन मतलब हटाना, तो वही काम ये कैशे एविक्ट भी कर रहा है। और अलग अलग आईडी से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, थॉरोली टेस्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि आप हर यहाँ राइट साइड में हर एक के साथ ये इस तरह से हार्ड कोडेड वैल्यू, ऑल दो हार्ड कोडेड शो कर रहा है बट कंसोल में प्रॉपर शो कर रहा है। तो चलिए अब अगले सेशन की तरफ चलते हैं जो कि EH कैशे को कैसे कॉन्फिगर करना है वो बताता है। और इस सेशन में भी हम लोग हाउ टू डू इन जावा को ही यूज़ करेंगे और इसमें एक लिंक है जो EH कैशे की कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे कैशे इवेंट लिसनर हम लोग लिखेंगे। इनेबल कैशिंग हमने देखा ही था एनोटेशन, और कैशे मैनेजर से कैसे कैशिंग करते हैं वो भी हम देखेंगे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कैशेज को कैसे यहाँ पे इनेबल करते हैं, स्पेसिफिकली EH कैशे के केस में। तो अगर हम EH कैशे का यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस सेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे और हम यहाँ पे सिंस हम EH कैशे यूज़ करने जा रहे हैं तो हम लोग स्प्रिंग का जो डिफ़ॉल्ट कैशिंग मैकेनिज्म है वो नहीं होगा, तो उसको कैसे इसको कैसे इनेबल करना है वो भी हम इस सेशन में देखेंगे। और कैशे मैनेजर API का कैसे यूज़ करना है वह भी हम यहाँ पे देखेंगे, और कैशे मैनेजर को कैसे यूज़ करना है और उसमें क्या क्या इवेंट्स रहते हैं वो सारा कुछ हम इस छोटे से एग्जांपल में देखेंगे। और ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड। तो अभी ये हमारा जो लिंक है ये रेफरेंस आप ले सकते हैं, इस ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अपने start.spring.io में चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं EH कैशे के लिए। अभी हम और स्क्रीन को फ्रीज किया है ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन या हमने क्या क्या डिपेंडेंसीज लिए। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ है, यानी कि हम लोग पैकेजिंग जार करेंगे, लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जावा 8 और यहाँ पे स्पेसिफिकली कैशे एब्स्ट्रैक्शन डिपेंडेंसी हमने एक्स्ट्रा ली है जो पिछली बार नहीं थी, तो वही हमने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे EH कैशे का वर्जन लेने जा रहे हैं EH कैशे, और क्योंकि हमारा वर्जन जो है स्प्रिंग बूट का वो 2.4 से अबव है और तो हमको EH कैशे का जो वर्जन है वह भी 3 से अबव लेना पड़ेगा। तो ये कंपेटिबिलिटी का है थोड़ा केस, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और EH कैशे का यहाँ पे ये org.eh कैशे ग्रुप आईडी भी आ गया है, तो ये एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज हमको ऐड करनी पड़ेगी, एक तो EH कैशे और एक कैशे API।
ये हमको अपने फॉर्म में डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये दोनों हमने लिए, और ये लेने के बाद हमको मेवन मेवन के मेनू में राइट क्लिक करके मेवन में जाके और अपने प्रोजेक्ट को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। तो रीबिल्ड प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये अपने सारे M2 में ये जो डिपेंडेंसीज बची हुई है इनको भी M2 में ऐड कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्टर यहाँ पे हमने एक तो स्टार्टर कैशे लिया था जो कि अपना कैशेबल जो एब्स्ट्रैक्शन था, कैशे एब्स्ट्रैक्शन था, वो स्टार्टर कैशे के साथ आया है। ठीक है, अभी हम पैकेज स्ट्रक्चर बनाते हैं। और पैकेज स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हम मॉडल क्लास लिखेंगे, कॉन्फिग क्लास लिखेंगे, सर्विस क्लास लिखेंगे हर बार की तरह। ठीक है, और एप्लीकेशन डॉट यामल फाइल बनाई हमने, उसमें हमको बताना पड़ेगा कि ehcache.xml का पाथ क्या है। और रिसोर्सेज के अंदर ही हमें ehcache.xml बना रहे, जैसा कि आप अभी सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आप हाउ टू डू इन जावा को रेफर करके ये एनोटेशन, ये मतलब ये पैकेज स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, सॉरी नॉट पैकेज स्ट्रक्चर, टैगिंग, ये जो XML टैग्स हैं कौन से क्या यूज़ किए, वो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। मेनली ये है कि जब अपन एक एक्सटर्नल कैशे यूज़ करते हैं या थर्ड पार्टी कैशे यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम काफ़ी कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि कितने रिकॉर्ड्स कैशे में जाएंगे, कितने समय तक के लिए वो कैशे उनको स्टोर करेगा, क्या क्या इवेंट्स रहेंगे, वो सारा कुछ हम उसमें कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ब्लॉग को लिख, मतलब अपना जो मॉडल है वो लिखने जा रहे हैं, जो कि ब्लॉग मॉडल है। इस बार उसको सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो मतलब सीरियलाइजेशन हो सके। और क्योंकि कैशे में स्टोर करें तो ईएच कैशे में ये रिक्वायरमेंट है उसके, कि जो हमारा मॉडल है वो होना चाहिए सीरियलाइजेबल। ठीक है, वो किया। अभी हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करते हैं। मैन्युअली हम ट्राई कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ने का एज पर द इस रेफरेंस के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं उसको। ऐड किया अभी हमने, अभी सर्विसेज ऐड करते हैं। सर्विस के अंदर अपन JSR जो स्पेसिफिकेशन है वो इनेबल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को ट्रू करते हैं। और अभी हम यहाँ पे अपने कैशे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारा कैशे जो रहेगा उसका नाम इस बार हमने ब्लॉग कैशे दिया है, और वही ब्लॉग कैशे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कैशे में, कैशे एक तरह का मैप, आप कैशे को एक मैप की तरह से कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें की जो होगी वो तो अपने ब्लॉग ऑब्जेक्ट का जो आईडी है वही, उसको हम की लेंगे और वैल्यू के फॉर्म में पूरा ब्लॉग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। वैल्यू टाइप में हम उसको बताने जा रहे हैं कि भैया आप तो हमारा जो मॉडल है, मॉडल की टाइप है डॉट ब्लॉग, इसको आप वैल्यू में ले लो, इस तरह की वैल्यू ले लो। और ये एक्सपायर कितनी देर में करेगा ये पूछ रहा है, तो एक्सपायरी हम कह देते हैं कि भाई 10,000 सेकेंड्स में एक्सपायर कर जाओ। ठीक है, और यहाँ पे लिसनर ऐड कर देते हैं। लिसनर बेसिकली जो एनोटेशन ऐड कैशेबल एनोटेशन है वहाँ पे कुछ हो रहा है तो वो सब चीज़ें लिसनर लिसन करेगा और उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है, और इवेंट फायरिंग मोड, ऑर्डरिंग मोड, और ये इवेंट्स टू फायर ऑन, ये सारा कुछ ऐड करना पड़ता है। फायरिंग मोड एसिंक्रोनस बोला है, ऑर्डरिंग मोड अनऑर्डर्ड बोला है, और ये सारी इवेंट्स बेसिकली जो हमने कॉन्फ़िगर किए हैं इवेंट्स टू फायर ऑन, कि कब कब कौन कौन से इवेंट होने पे ये कैशे हमारा फायर होगा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिएटेड, अपडेटेड, एक्सपायर्ड, रिमूव्ड और एविक्टेड, इन केसेस में हमारा कैशे कॉल होगा, मतलब कैशे के अंदर ऑपरेशंस इन सभी केसेस में होंगे। अभी हम अपना इवेंट लॉगर लिखने जा रहे हैं। इवेंट लॉगर एक सिंपल कैशे इवेंट लिसनर है, तो जब भी कैशे से रिलेटेड कुछ काम होगा तो ये लिसनर कॉल हो जाएगा, और ये ऑन इवेंट इसका रहता है मेथड, तो ऑन इवेंट पे हम उस कैशे को सिंपली लिसन करेंगे, जो भी चेंजेस उसमें हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो कैशे इवेंट और की क्या, कौन सी की थी और उसकी वैल्यू क्या, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में क्या चेंज आया, वो यहाँ पे हम लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कैशे इवेंट डॉट गेट टाइप, तो टाइप बता रहा है किस टाइप का इवेंट था, प्लस की कौन सी थी और उसकी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या क्या थी, वो सारी कुछ हमको यहाँ पे दिखाएगा ये कैशे इवेंट लॉगर जो अपना लिसनर है ये। अभी दूसरा हम
कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एट इनेबल कैशिंग हमको करना पड़ता है जब भी कैशे यूज़ करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे भी किया है। और इसके साथ साथ अभी सर्विस क्लास लिखने जाते हैं। अभी सर्विस क्लास में हम मेथड जो लिखेंगे वो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, डिफ़ॉल्ट कैशिंग के टाइम पे भी एड कैशेबल हमको ऐड करना पड़ेगा। और इस बार क्या होगा, एड कैशेबल में हम कैशे का नाम क्या देंगे, कैशे का नाम वही देंगे जो हमने ई एच कैशे में दिया है, जो कि है ब्लॉक कैशे। तो इस बार हम थोड़ा सा एलिगेंट बनाते हैं, डीबी को हम ऑल्दो हिट नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हम एक हैश मैप ले रहे हैं और उस हैश मैप को स्टैटिकली फिल करवा रहे हैं, ठीक है, सर्विस क्लास में, जिसमें वैल्यू तो हालांकि हार्ड कोडेड ही है बट मोर देन वन वैल्यूज जा रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हमने बनाए और वो इस हैश मैप में रहेंगे, लॉन्ग जो कि लॉन्ग टाइप का है, आईडी लॉन्ग एंड ब्लॉग उसकी वैल्यू है, ठीक है। सिमिलर वे गेट ब्लॉग बाय आईडी एक मेथड है जो कैशेबल है, और जैसा कि पहले ही आपको बताया कैशे नेम्स जो है वो यहाँ पे दे दिया हमने, ब्लॉग कैशे जो कि वहाँ से मैच होना चाहिए ई एच कैशे वाली फाइल से, और की में हम बोल रहे हैं कि भैया आईडी के हिसाब से उसको फैच करने का है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, अभी हम लिखने जा रहे हैं कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर लिख के जो हमारा सर्विस का जो मेथड है इसको यहाँ बाइंड कर देंगे, ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। और इस बार हम कैशे मैनेजर का भी यूज़ करेंगे, कैशे मैनेजर भी एक क्लास है। अगर हम मैन्युअली मतलब अगर हम एनोटेशन के थ्रू कैशिंग नहीं करना चाहते तो हम एट द रेट कैशे मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है, वो कैशे मैनेजर वो भी हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो एंड पॉइंट्स बनाने वाले हैं, एक तो अपना नॉर्मल जो एड कैशेबल को वाले इंस्टेंस को मतलब वाले मेथड को कॉल करेगा, तो वो तो अपना स्लैश ब्लॉग स्लैश आईडी जो पिछले वाले वीडियो में भी हमने बनाया था, सेम यहाँ पे भी बनाया है, और ये ब्लॉग सर्विस डॉट गेट ब्लॉग बाय आईडी को कॉल कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिस आउट में हम दे देंगे कि कैसे ये आईडी अपन क्या पास कर रहे हैं। नॉर्मली ये भी अपने को दोनों ही मतलब हैश मैप से आईडी निकाल के दे देगा, आईडी के बेसिस पे वन और टू ही ऑब्जेक्ट है तो दो ही लिस्ट में एलिमेंट है तो उस हिसाब से दे देगा। अभी ये कैशे मैनेजर में कैसे करना है, तो हम उसका जो है उसका एंड पॉइंट भी हमने ऐसा ही दिया है, कैशे मैनेजर कैशमैन स्लैश आईडी, ठीक है। और ये कैशे मैनेजर के थ्रू कैसे उसमें ऐड कर रहा है वो भी बता रहा है ये आपको। तो यहाँ पे हम कैशे मैनेजर का कैशे का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उस इंस्टेंस में हम डॉट पुट करके आईडी और ब्लॉग को पुट कर रहे हैं। ब्लॉग 3 जो है ये हमारा कैशे मैनेजर में के थ्रू कैशे में इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि जा रहा सब सारे डेटा जो है वो ब्लॉग कैशे में ही जा रहा है, यहाँ से भी हम ब्लॉग कैशे में ही पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, तो कैशे मैनेजर के थ्रू किया है यहाँ पे, ठीक है। इसका कुछ रिलीवेंट नाम दे देते हैं, ऐड टू कैशे एक रिलीवेंट नाम है, बजाय उसके जो हमने पहले दिया था गेट ब्लॉक बाय आईडी कैशे मैनेजर, इतना लंबा नाम नहीं, इसकी जगह ऐड टू कैशे भी एलिगेंट नेम है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये हमारा कैशेबल हो गया, ये हमारा मैपिंग हो गया। इसमें भी हम सिस आउट्स डाल देते हैं प्रॉपरली उसको शो करने के लिए, कैशे डॉट गेट आईडी, और थोड़ा ये सिस आउट्स हमको हेल्प करेंगे। इसमें हम मैसेज दे देते हैं प्रॉपरली पुटिंग इनटू द कैशे वाया कैशे मैनेजर, तो हमको कंसोल पे ही पता चल जाएगा कि किस कौन सा वाला किससे हो रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ ठीक है, तो देखे रन करके देखते हैं। एक सजेशन है कि जहाँ कहीं पे भी हो, जहाँ तक हो सके वेरिएबल की वैल्यूज और ये सब अपने को कॉपी पेस्ट ही करना चाहिए, मतलब एक जगह डिफाइन करो और उसको जहाँ पे भी चाहिए वहीं से कॉपी करके फिर उसका यूज़ करो। अभी देखिए हमको कुछ एरर आया है, देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हमने दी है अपने जेसन में स्प्रिंग डॉट कैशे डॉट जे कैशे डॉट कॉन्फिग, ये जो रूट है, ये जो पाथ है, इस पाथ में कैशे का जो नाम था वो हमने गलत दे दिया था, जो XML फाइल का जो नाम था वो थोड़ा गलत था, तो उसको हमने अभी करेक्ट किया है, अभी उसको रीस्टार्ट किया है करेक्ट करके सर्वर को,
अब देखते हैं क्या होता है। सर्वर अप हो रहा है, सर्वर अप हो गया है, स्टार्टेड, सर्वर स्टार्टेड ऑन 8080। अभी हमारा जो एंड पॉइंट था उसको हिट करके देखते हैं, वन पे हिट किया। अभी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलिंग फ्रॉम डीबी ये मैसेज भी शो हुआ है आईडी के साथ साथ। अभी इसको रिपीट करते हैं इसी रिक्वेस्ट को, तो आप देख सकते हैं अभी ये बार बार हमको आईडी और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं किया इसने सेकंड टाइम में। और हिट करके देखते हैं, अभी देखिए कंटिन्यूसली हम बार बार हिट कर रहे हैं और बार बार वो टू ही प्रिंट कर रहा है, मतलब आईडी ही प्रिंट कर रहा है, पूरी पूरी वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है। जबकि हमको जो रिजल्ट रेस्पॉन्स आया उसमें हमें राइट साइड में कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो कैशे से आ रहा है, हमारी ईएच कैशे कॉन्फ़िगर हुई है प्रॉपरली और वहीं से डेटा आ रहा है। अभी हम सेम हम वन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, अभी ऐड टू कैशे वाला भी ट्राई करते हैं यूआरएल। ठीक है, तो स्लैश 8080 स्लैश देंगे यहाँ पे। तो अभी हमने जैसा आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में कंसोल में हमने हाईलाइट किया है, तो अभी हमने जब ऐड टू ऐड कैशे वाला जो यूआरएल उसको हिट किया था, तो ये कैशे मैनेजर के थ्रू हमारे ब्लॉक कैशे में डेटा एंटर हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह ईएच कैशे का यूज़ करके हम कैशिंग को इनेबल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। ठीक है, आप इसको और थोरली टेस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहें, जैसे हम यहाँ पे और इसको टेस्ट कर रहे हैं वन के साथ और आईडी टू के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और हमारे को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले, हम और आगे इस तरह के वीडियोस बनाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगले सेशन तक के लिए जय हिंद।